असला डॉक्टर तलत अफजा माइक्रो इकोनॉमिक थर्टी थर्ड लेक्चर के साथ हाजिर है हमारे पिछले ही चंद एक लेक्स की आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में हमने मोनापली मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन शुरू की थी एनवी से मोनापली बेसिकली इज दोल अपोजिट ऑफ दर्फेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट कंडीशन मोनापली में हमने ये कहाज सिंगल बायर देयर इज ए सॉरी प्रोड्यूसर एक ही प्रोड्यूसर है जो के पूरी मार्केट को आउटपुट जो है वो सप्लाई करता है और उसके साथ जब हम प्रोडक्ट की नेचर की बात कर रहे थे तो हमने कहा कि प्रोडक्ट इस तरह की है कि उसका कोई गुड सब्सिट्यूट इज नॉट अवेलेबल कि इन द आईज़ ऑफ कंज्यूमर्स वो प्रोडक्ट जो है इज द ओनली प्रोडक्ट विच इज अवेलेबल इन द मार्केट तो जब हम uh, एंट्री एंड एग्जिट की बात करते हैं कि ये हमारी मोनापली जो है वो क्यों एग्जिस्ट करती है बिकॉज देयर इज़ बैरियर टू दी एंट्रीज तो मोनापली की जब बात करते हुए हम ये देख रहे थे कि मोनापली जो है वह क्यों पैदा हो जाती है देयर कैन बी सेवरल रीजन्स जिनमें से चंद एक रीजन ये है कि चंद मोनापली जो है वो नेचुरल मोनापलीस होती हैं और नेचुरल मोनापली में ये होता है कि स्केल इकोनॉमीज या साइज ऑफ़ द प्रोडक्शन इतना बड़ा होता है कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट ह्यूज होती है और दूसरे लोग उसमें एंटर नहीं हो सकते इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर सम टाइम पीरियड के दूसरे लोग जो है वो मार्केट में एंटर हूं और दे आल्सो स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द सेम प्रोडक्ट एक और नेचुरल मोनापलिस है जो कि आपके नेचुरल रिसोर्सिस मिनरल्स वगैरह की विच इज गॉड गिवन ये लॉन्ग टर्म बेसिस पे ही मोनापलाइज uh, करते हैं प्रोड्यूसर्स एंड अदर्स दे कैन नॉट एंटर क्योंकि उसका कोई क्लोज सब्सिट्यूट मैन मेड जो है दैट इज नॉट अवेलेबल एक आपके एडवर्टाइजिंग के थ्रू भी मनापली जो है वो पैदा की जा की जाती है इन दी इन दाइंड ऑफ द कंज्यूमर्स ये जो प्रोडक्ट है दैट इज बेटर देन दी अदर प्रोडक्ट्स और इस प्रोडक्ट का कोई क्लोज सब्सटीट्यूट जो है वो अवेलेबल नहीं है तो ये सारी टाइम्स ये होता है कि गवर्नमेंट रेगुलेशन की वजह से भी जो है वो मनापली जो है वो पैदा हो जाती है कि जब गवर्नमेंट लाइसेंसिंग करती है तो नंबर ऑफ जो हैं हमेशा लिमिटेड रहती हैं लार्ज स्केल ऑपरेशन की वजह से समटाइम्स गवर्नमेंट खुद भी अंडरटेक कर लेती है दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी फॉर एग्जांपल अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान रेलवेज इज अ गुड एग्जांपल फॉर अ इन द रेलवेज तो ये सारा कुछ हमने पिछले चंद एक लेक्चर्स में देखा कि जब हम इस मोनापलिस को कम्पेयर करते हैं परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट में प्रोड्यूसर के साथ तो एक कंट्रास्ट जो है वो पैदा हो जाता है और वो कंट्रास्ट इस तरह होता है परफेक्टली कंपेटेटिव मार्केट्स में देयर इज लार्श नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स और जबकि मोनापली में हमारे पास देयर इज सिंगल सेलर। जब लास्ट नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं तो उनमें से इंडिविजुअली अलहदा अलहदा जो है कोई भी मार्केट की प्राइस को अफेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि बायर जो है वो बहुत स्मॉल पोर्सन जो है वो पाई कर रहा होता है प्रोड्यूसर जो है वो बहुत स्मॉल पोर्सन जो है वो सप्लाई कर रहा होता है इसलिए जो मार्केट की एग्रीगेट या टोटल डिमांड होती है या टोटल सप्लाई होती है उससे प्राइसेस प्राइसेस डिटरमिन होती हैं हैं प्रोड्यूसर्स के पास वो जो है एज गिवन आ जाती प्राइसिस प्रोड्यूसर को जो डिसीजन करना होता है वो ये होता है कि इस प्राइस के ऊपर कितनी आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस करें और सेल करें इन द मार्केट प्लेस जबकि दूसरी तरफ जब हम मुनाफले की बात करते हैं हम कहते हैं कि वहां पे सिंगल प्रोड्यूसर है तो वो जो सिंगल प्रोड्यूसर है उसमें और मार्केट में कोई फर्क नहीं है दैट इज दी ओनली प्रोड्यूसर इसलिए उस एक्सक्यूज <coughs> उसका जो डिमांड कर्व है वो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व होता है और वही लॉ ऑफ डिमांड के तहत ऑपरेट कर रहा होता है कि अगर प्रोड्यूसर वॉन्ट टू सेल एडिशनल यूनिट ही और शी हैज टू लोअर प्राइसेस और अगर प्रोड्यूसर जो है वो प्राइस हायर चार्ज करने की कोशिश करता है तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो कम हो जाती है तो अब हमारे पास परफेक्टली कंपिटेटिव मार्केट में प्रोड्यूसर के लिए हॉरिजेंटल डिमांड कर्व है जिसमें प्राइस लेवल फिक्स और गिवन है बाय द मार्केट अब मोनोपोलिस के लिए हमारे पास डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व है तो जब हमारे पास मोनोपोलिस के अब डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व है तो उसका मार्जिनल रेवन्यू कर्व जो है दैट इज सेपरेट फ्रॉम द डिमांड कर्व और वो हमेशा जो है वो लाई करता है बिलो द एवरेज रेवेन्यू और डिमांड कर्व जबकि परफेक्टली मार्केट्स में हमारा स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व जो है दैट इज द मार्जिनल रेवेन्यू और वही हमारे पास जो है वो एवरेज रेवेन्यू कर्व है और जब हम देखते हैं कि ऑप्टिमम प्राइस लेवल क्या है तो देन फॉर बोथ मोनापली एज वेल एज परफेक्टली कंपेटेटिव मार्केट स्ट्रक्चर दोनों में ही रूल ऑफ द गेम इज के मार्जिनल रेवेन्यू शुड बी इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट तो जब हम आ, बात करते हैं परफेक्टली मार्केट स्ट्रक्चर की तो उस वक्त मार्जिनल रेवन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट और हमारा प्राइस भी बराबर है मार्जिनल रेवेन्यू के तो हम ये कह सकते हैं कि प्राइस इज इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट एट दी ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट जबकि हम मोनोपलि की बात करते हैं तो मोनापलिस का प्राइस लाइन या डिमांड कर्व इज डिफरेंट फ्रॉम द मार्जिनल रेवेन्यू कर्व इसलिए जब हम प्रॉफिट ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं तो उस सूरत हाल में हमारा मार्जिनल रेवन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट बट प्राइस इज हायर देन मार्जिनल कॉस्ट लॉन्ग रन में जब हम देखते हैं तो हम परफेक्टली कंपेटेटिव मार्केट्स में हमने कहा जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट्स, जबकि मुनापले में इकोनॉमिक प्रॉफिट्स आर पॉसिबल तो जब हम सोसाइटी के ऊपर ओवरऑल इंपैक्ट देखना चाहते हैं मोनापली का तो हमने ये देखा कि मोनापली विद एग्जिस्टेंस ऑफ द मोनापली हमारे पास सोसाइटी के पास डेड लॉसेस जो हैं वो होते हैं जबकि परफेक्टली कंपेटेटिव मार्केट्स में इन द लॉन्ग रन हमारे पास मार्केट एफिशिएंसी है जिसमें सोसाइटी के लॉसेज जो है दे डू नॉट एग्जिस्ट जब हमने लॉसेज एंड वेलफेयर लॉसेस की बात की थी तो उसको हमने प्रोड्यूसर सरप्लस और कंज्यूमर सरप्लस की मदद से जो है वो मैय करने की कोशिश की और देखा कि मोनापली की सिचुएशन में देवर डेड लॉसिस टू सोसाइटी गवर्नमेंट के रोल की जब बात आई तो मोनापली में हमने ये देखा कि अगर गवर्नमेंट जो है वो एक टैक्स लगा देती है तो उसका क्या इम्पेक्ट होता है तो गवर्नमेंट के टैक्स लगा देने से भी ही डेड लॉसेज पैदा हुए थे जो कि एग्जैक्टली exactly यही सिचुएशन थी जो कि परफेक्टली कंपिटेटिव मार्केट स्ट्रक्चर में थी तो इस सारी डिस्कशन के बाद आज हम कंटिन्यू करेंगे और वो होगा मोनापली इट सेल्फ लेकिन जो पिछले लेक्चर में हमने किया था उसमें हमने देखा था कि अगर मोनापल मोनापलिस्ट के पास क्योंकि साइज ऑफ द प्रोडक्शन इज लार्ज तो अगर मोनापलिस्ट जो है उसके पास मल्टा प्लांट फॉर्म हो यानी कि उसके प्रोडक्शन जो है इज टेकिंग प्लेस एट टू डिफरेंट प्लेसेस और हमने एग्जाम्पल ली थी किज अ फॉर्म और उसकी आउटपुट जो है प्लांट वन और प्लांट टू जो है दोनों पे जो है वो प्रोड्यूस हो रही है अब अगर हमने ये डिसीजन करना है कि प्लांट नंबर वन पे कितनी आउटपुट प्रोड्यूस हो और प्लांट नंबर टू पे कितनी आउटपुट प्रोड्यूस हो तो उसके लिए हमने रूल ऑफ द गेम जो डिसाइड किया था उसमें हमने ये कहा था कि हमारी मार्जिनल कॉस्ट शुड बी इक्वल टू एम सी वन द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्लांट वन प्लस एम सी टू विच इज द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द प्लांट नंबर टू ओवरऑल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लेवल में हमने कहा था कि मार्जिनल रेवेन्यू शुड बी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट एंड सेपरेटली भी हमारी मार्जिनल रेवेन्यू शुड बी इक्वल टू एम वन और वो हमें देती थी क्यू वन ऑप्टिमम आउटपुट लेवल फॉर प्लांट वन एंड द प्राइस वन फॉर प्लांट वन दूसरी तरफ जब हम प्लांट टू की बात करते थे तो अगेन हमारा ऑप्टिमम लेवल था जहां पे मार्जिनल रेवेन्यू वॉज इक्वल टू दी एम सी क्यू टू और वो एमसी टू जो थी वो आउटपुट लेवल क्यू टू जो है वो हमें देती थी उसके बाद हमने ये देखा कि अगर रियल लाइफ सिचुएशन में देखें तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कि हम एक ट्रू सेंस में सिंगल प्रोड्यूसर जो है वो आ, हासिल कर सकें जब सिंगल प्रोड्यूसर एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर मोनोपली जो है वो किस शक्ल में एग्जिस्ट करती है तो मोनोपली जो बेसिकली एग्जिस्ट करती है दैट इज देयर आर फ्यू फॉर्म्स और वो फर्म्स जो है आपस में इंक्लूड कर लेती हैं इन आर्डर टू सप्लाई द आउटपुट इन द मार्केट तो हमने मुनापली पावर को यही कि उसका इन्फ्लुएंस जो है वो मार्केट में कितना ज्यादा है उसको मैया करने के लिए चंद एक गाइडलाइंस हासिल करने की कोशिश की जिसमें हमने ये कहा कि किसी भी मोनापलिस्ट की जो मुनापली पावर है या उसका इंफ्लुएंस इन द मार्केट है दैट इज डिपेंडेंट ऑन द डिमांड कप और जब हम डिमांड कव की बात करते हैं तो दैट बेसिकली इज द इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड तो अगर कोई प्रोड्यूसर जो है इस तरह की प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है कि जिसमें डिमांड इज इन इलास्टिक रिलेटिवली इन इलास्टिक इन इलास्टिक का मतलब यह है कि अगर प्राइस वन परसेंट से चेंज होती है तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है उसमें चेंज जो है वो लेस देन वन परसेंट होती है तो इस सूरत हाल में इन इलास्टिक डिमांड में जो प्रोड्यूसर है उसके पीछे उसके पास फ्लैक्सबिलिटी जो है वो ज़्यादा हो जाती है क्योंकि कंज्यूमर जो है स्ट्रिक्ट टू दी परचेज़ ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट तो जब उसके पास इन इलास्टिक डिमांड हो जाती है तो उसकी मार्केट पावर जो है वो बढ़ जाती है दूसरी तरफ जब हमने ये कहा कि जो डिमांड uh, है वो इलास्टिक है इलास्टिक डिमांड में ये है कि कंज्यूमर के पास फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है तो अब अगर प्रोड्यूसर जो कि मोनोपोलिस्ट है अगर वो प्राइस हाई करेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी तो इलास्टिक डिमांड की शक्ल में हमारा जो प्रोड्यूसर या मोनोपोलिस्ट है उसकी मार्केट पावर जो है वो कम हो जाती है इसको एक और तरह से भी हमने ये देखा था कि हम जो है वो मैयर कर देते हैं कर सकते हैं मार्केट पोवर मार्जिनल कॉस्ट अब बेसिकली वी मार्केट मार्कअप मार्कअप को हमने डिफाइन किया था कि अगर जो प्राइस मोनापलिस चार्ज करता है उसमें से मार्जिनल कॉस्ट निकाल दें यानी कि पी माइनस एम सी ओवर द प्राइस दैट वी लर्नर्स इंडेक्स ऑफ माइअरिंग दी मोनापली पावर और हमने ये कहा था जितना पी माइनस एम सी ओवर पी जो है वो ग्रेटर होगा दोनापली पावर फॉर दैट पर्टिकुलर फॉर्म विल भी मोर और जितना पी माइनस एम सी ओवर पी कम होगा तो उस फॉर्म की मुनाफली पावर जो है वो कम होगी और यही हमारा जो लर्नर इंडेक्स है वो इलास्टिसिटी के साथ भी इनवर्सली रिलेटेड है अगर हमारे पास पी माइनस एम सी ओवर पी ज्यादा होगा तो हमारे पास इलास्टिसिटी जो है वो कम होगी क्योंकि पी माइनस एम सी ओवर पी वॉज इक्वल टू वन ओवर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनवर्स सो देअर फोर अगर हमारा लर्नर इंडेक्स इज हाई तो इलास्टिसिटी इज लेस और इन दोनों ही सूरत हाल में हमारे पास मोनापलिस की मोनापली पावर ज्यादा होगी दूसरी हाल में अगर लर्नर लर्नर इंडेक्स जो कि पी माइनस एमसी ओवर पी था अगर वो कम होगा तो हमारी इलास्टिसिटी जो है वो ज्यादा होगी और जब इलास्टिसिटी ज्यादा है और लर्नर इंडेक्स कम है तो उस फॉर्म की मोनापली पावर जो है वो कम होगी उसके बाद हमने इकुलिब्रियम देखा कि मोनापलिस्ट uh, जो है किस आउटपुट और प्राइस लेवल पे जो है वो पैदा करेगा सो देट के प्रॉफिट्स आर मैक्सिमाइज़ लेकिन जब हमने इन प्रैक्टिस देखने की कोशिश की तो वी लुक एट इट एंड सेड कि समटाइम्स ये बहुत मुश्किल हो जाता है एक मोनापलिस्ट के सारे के सारे कॉस्ट कव्ज और रेवन्यू कब्ज़ जो हैं वो उनको ड्रा किया जाए तो हमने एक रूल ऑफ थम जो है वो प्राइसिंग फार्मूला जो है वो मोनापलिस्ट के लिए डिफाइन किया था और उसमें हमारे पास दो मेन एलिमेंट्स थे एक तो था मार्जिनल कॉस्ट का एलिमेंट और दूसरा था हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमैंड का एलिमेंट तो हमने उसको जो एक्सप्रेस किया वो हमने ये किया कि मार्जिनल कॉस्ट डिवाइडेड बाई वन प्लस वन प्लस वन ओवर ई डी ई डी इज आर इलास्टिसिटी ऑफ डिमैंड तो अगर ये रूल ऑफ थम यूज किया जाए और हमारे पास जो है सिर्फ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की ही वैल्यू मौजूद हो और वो हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू जो है वो किस तरह हासिल कर सकते हैं फर्म इज देयर इन मार्केट फॉर समाइम तो पिछले चंद एक सालों का डेटा लेके तो हम ये देख सकते हैं कि प्राइस चेंज की जू जो मोनापुलिस ने तो कंज्यूमर ने रिलेटिवली uh, डिमांड में क्या जो है वो रिएक्शन शो किया क्वान्टिटी डिमांडेड किस तरह चेंज हुई सो फॉर समाइम पीरियड इफ वी नो द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द प्रोडक्ट विच इज बिंग प्रोड्यूसड बाई दोनापलिस्ट तो उसकी बेसिस पे हम जो है वो फिगर आउट कर सकते हैं कि इस मोनापलिस्ट को कितनी प्राइस चार्ज करनी चाहिए तो उसमें यही है कि वो फार्मूला में डाल के वी कैन कम अप विद दिचुएशन जैसे हमने एग्जाम्पल ली की अगर हमारी इलास्टिसिटी जो है वो पॉइंट फाइव है तो हमने ये कहा था कि प्राइस जो है दैट शुड बी ट्वाइस द मार्जिनल कॉस्ट अब मार्जिनल कॉस्ट को हमने जैसे पहले ही डिफाइन किया है कि चेंज इन कॉस्ट ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ वन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट जितनी चेंज होती है हमारी टोटल कॉस्ट में यानी टोटल कॉस्ट जितनी बढ़ती है अगर हम एक और यूनिट पैदा करें तो वो मार्जिनल कॉस्ट है तो अगर हमारे पास रूल ऑफ थर्म से ये आया है कि प्राइस इज इक्वल टू टू टाइम्स मार्जिनल कॉस्ट तो हमारा जो स्ट है कम्फर्टेबली ये कह सकता है कि मेरी जो भी मार्जिनल कॉस्ट आएगी उससे डबल तो ये तो था हमारा पिछली डिस्कशन ऑन दोनापली आज इनशा हम इसी मोनापली के टॉपिक को फर्दर आगे लेके चलेंगे और उसमें सबसे पहले जो हम देखेंगे कि जो मोनापली पावर की हम बात कर रहे हैं तो उसके बेसिकली क्या सोर्सेस है क्यों फॉर्म्स को जो है वो एक मोनापली पावर जो है हासिल हो जाती है इन द मार्केट प्लेस और फिर उसके बाद जो है हम देखेंगे कि सोशल कॉस्ट टू कि अगर मोनापली एग्जिस्ट करती है सोसाइटी में तो उससे कंज्यूमर और प्रोड्यूसर्स का जो है वो सप्लस किस तरह अफेक्ट होता है और ओवरऑल सोसाइटी की वेलफेयर में क्या चेंज आती है इसके साथ ही हमारा जो मोनापली वाला टॉपिक है वो कंक्लूड हो जाएगा यानी हम कंप्लीट कर लेंगे उस टॉपिक को लेकिन उसके साथ जो डिस्कशन होगी दैट विल बी फॉर एनअर

हम आज इनशाला मोनापनी को डिफाइन करेंगे और उसकी बेसिक करेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे और फिर देखेंगे कि मोनापनिस्ट जो है वो अपना ऑप्टिम इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो किस तरह डिटरमिन करता है तो हम शुरू करते हैं अपने पहले लेक्चर से जो कि है कि सोर्सिस ऑफ दोनापली पावर तो अगर हम रियल लाइफ में देखते हैं तो हमने जैसा कहा कि ट्रू मोनापली मिलना यानी कि एक सिंगल फॉर्म मिलना जो है दैट इज काइंड ऑफ वेरी रेयर इसलिए हमारे पास थोड़ी तीन चार फर्म्स जो हैं वो अगर मार्केट में ऑपरेट कर रही होती हैं तो जरूरी नहीं है कि उन तीन चार फर्म्स का जो है मार्केट में इन्फ्लुएंस बराबर हो तो आज हम ये देखना चाहते हैं कि वाई सम फर्म्स दे हैव हाँ मोर मोनाफली पावर एज कम्पेयर टू अदर फर्म्स तो इनको हम अगर एनालिसिस अनल, करना चाहते हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि मोनापली पावर के बेसिकली सोर्सेस क्या हैं लेकिन उन सोर्स से पहले हमें जो कि पिछले डिस्कशन से भी

और उसमें हमने ये कहा था कि अगर किसी मोनापोलिस्ट की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो ज्यादा है यानी इलास्टिक है तो उसकी मोनापली पावर कम होगी और अगर इलास्टिसिटी कम है तो उसकी मुनापली पावर जो है वो ज्यादा होगी तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि मोनापोलिस्ट की जो मोनापुली पावर है दैट इज डिटर्मिंड बाई द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अब ये बेसिक जो डिटर्मिनेंट है मोनापोलिस्ट की मोनापली पावर का दैट अगेन इज डिपेंडेंट ऑन थ्री बेसिक फैक्टर्स उसमें सबसे पहला जो फैक्टर है दैट इज द इलास्टिसिटी ऑफ द मार्केट डिमांड पहले जो हम बात कर रहे हैं हम बात कर रहे थे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर दैट पर्टिकुलर और वो डिपेंडेंट है हमारी इलास्टिसिटी ऑफ द मार्केट डिमांड यानी मार्केट में हमारे पास एक से ज्यादा फर्म्स है जो कि प्रोड्यूस कर रही है उनको सबको जब मिला के हम बात कर रहे हैं तो देन वी आर टॉकिंग अबाउट द इलास्टिसिटी ऑफ द मार्केट डिमांड फिर हमने कहा कि दिस इज ऑल्सो

कि वो किस तरह डिसाइड करती हैं कि कितना प्राइस जो है वो चार्ज करनी चाहिए और क्या आउटपुट लेवल होना चाहिए तो अब अगर हम शुरू करते हैं अपने पहले फैक्टर से जो है हमारा इलास्टिसिटी ऑफ द मार्केट डिमांड आपको याद होगा कि हमने पिछले लेक्चर में एक एग्जाम्पल ली थी मार्केट फॉर दूथब्रश और उसमें हमने ये कहा था कि सपोज कि पूरी मार्केट की जो डिमांड है दैट इज ट्वेंटी थाउजेंड और उसमें फोर पार्टिसिपेटिंग फर्म्स हैं अगर वो सारी इक्वली अपनी आउटपुट लेवल को डिवाइड करती हैं तो हर फर्म जो है वो फाइव थाउजेंड जो है वो प्रोड्यूस कर रही है लेकिन इसके साथ हमने ये देखा था कि हमारी मार्केट का डिमांड कब जो है वो रेडिटिवली स्टीप था और हमने ये कहा था कि मार्केट की डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज माइनस वन पॉइंट फाइव और जो फर्म थी एक जिसको हमने एज एन एग्जाम्पल लिया था तो उसको हमने कहा था कि इसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मोर इज सिक्स वो ज़्यादा क्यों थी कि अगर ये फर्म थोड़ी सी भी हायर प्राइस चार्ज करना चाहती है जो कि मार्केट में हमने डिटर्मिन की थी कि मार्केट का जो है ट्वेंटी थाउजेंड के ऊपर प्राइस लेवल था वन पॉइंट फाइव अब अगर ये वाली फर्म जो है वन पॉइंट फाइव से ज़्यादा चार्ज करनी चाहेगी तो हमारे बहुत से कंज्यूमर जो हैं वो इस फर्म से परचेज नहीं करेंगे राधर रेस्ट ऑफ थ्री फम जो हैं उनसे जाके परचेज कर लेंगे इसलिए वो जो कंज्यूमर की फ्लेक्सिबिलिटी थीट वाज़ रिफ्लेक्टेड इन दिमाग कर फॉरूफेक्ट इलास्टिस क्योंकि देर आर कम्पैटिटर्स आर अवेलेबल इन दार्केट फ्लेक्सीबिलिटी इज देयर तो, तो इसलिए उसकी इलास्टिसिटी ज्यादा थी लेकिन जो हमारी मार्केट डिमांड है हमने ये कहा है कि मार्केट डिमांड की जो इलास्टिसिटी है वो डिमिन करती है हमारे मोनोपोलिस्ट या इंडिविजुअल फर्म की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को तो वह किस तरह करती है कि जो मार्केट डिमांड है वो मिनिमम इलास्टिसिटी है इससे नीचे जो है वो कोई भी फर्म की इलास्टिसिटी नहीं जा जा सकती इट गिव्स द बाउंड्री और द मिनिमम पॉइंट अब जैसे कि इस टूथब्रश वाली एग्जाम्पल में था कि 1.5 पॉइंट फाइव वाज द मार्केट डिमांड इलास्टिसिटी तो वो इज द मिनिमम थ्रेश फॉर एनी पर्टिकुलर फर्म लेकिन जो फर्म जितनी क्लोज हो जाएगी 1.5 के इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड उसकी मार्केट पावर उतनी बढ़ जाएगी और जितनी फर्म जो है उससे दूर हो जाएगी तो उसकी मार्केट पावर जो है वो कम हो जाएगी तो ये हमारा एक डिटर्मिनेट था मार्केट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो कि डिटर्मिन कर रहा था की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को और मोनापुलिस की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बेसिकली इज अर ऑफ द मोनापली पावर ऑफ द दोनापलिस्ट तो दूसरा जो फैक्टर है हमारा वो है कि नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट। अब हमारे पास अगर नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट जो हैं वो ज़्यादा हो जाएंगी तो बट वी आर सेइंग हियर इज कि हम ज्यादा क्लोज हो, होते चले जाएंगे परफेक्टली कम्पटिटिव मार्केट स्ट्रक्चर के क्योंकि परफेक्टली कम्पटेटिव मार्किट स्ट्रक्चर में वी आर सेंगे दे आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड देर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर तो इसलिए जितनी हमारे पास नंबर ऑफ फर्म ज्यादा हो जाएंगी उतनी ही इलास्टिसिटी जो है उन फर्म्स के लिए ज्यादा हो जाएगी अगर हमारे पास नंबर ऑफ फर्म्स जो है वो थोड़ी हैं तो कंज्यूमर के पास जो है वो कम सब्सिट्यूट अवेलेबल है प्लस वो जो फर्म्स हैं वो आपस में इंक्लूड भी कर सकती हैं तो इलास्टिसिटी कम हो जाएगी और फर्म्स की मार्केट पावर जो है वो बढ़ जाएगी अब जब हम मुनापले की बात करते हैं नंबर ऑफ फर्म इज वन थिंग लेकिन हम एट टाइम्स जो है ये ऐसी सिचुएशन भी होती है कि जहां पे हमारे पास लग like से तीन चार फर्म जो है वो 90% ऑफ द मार्केट प्रोड्यूस कर रहे हैं और 20-30 uh, फर्म्स जो है वो रेस्ट ऑफ द 10% प्रोड्यूस कर रही हैं तो इस सूरत हाल में क्या होता है कि वी नीड टू लुक एट द मेजर प्लेयर्स और वो हमारे मेजर प्लेयर्स जो हैं दे आर दो फर्म्स जो की नाइनटी परसेंट ऑफ सप्लाई कर रहे हैं तो हमारी कंसनट्रेशन जो है वो उन उनपे होनी चाहिए और इसको हम ये सिचुएशन कहते हैं कि दिस इज अ मार्केट इज ऑफ द मार्केट पावर इन देंड ऑफ थ्री और फोर सप्लायर्स तो जब ये सूरत हाल होता है वो तीन चार डोमिनेंट फर्म जो हैं वो आपस में कल्यूट करके दे हैव मोर मोनापली पावर एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द दर्म्स अगर हम टोटल नंबर ऑफ द द्स देखें तो वो ज्यादा है लिख से थ्री फोर प्लस ट्वेंटी मोर लेकिन जब हम देखते हैं कि मार्केट कंसनट्रेटेड है तो हमारा फोकस जो है वो सिर्फ मेजर प्लेयर्स पे होता है और हम उनको जो है देखते हैं कि वो आपस में किस तरह बिहेव करते हैं यह था हमारा सेकेंड फैक्टर लेकिन सेकेंड फैक्टर में चंद एक और एलिमेंट भी आ जाते हैं और वो एलिमेंट आ जाते हैं कि एंट्री बैरियर्स कितने हैं कि अगर हमारे पास मोनापली में एंट्री बैर, बैरियर्स जो हैं वो ज़्यादा हो कि अदर फॉर्म्स जो हैं उनके लिए आना मुश्किल हो जाए उनमें से एक रिक्वायरमेंट हमारी कैपिटल इन्वेस्टमेंट की हो सकती है कि अगर कैपिटल इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो दूसरी फॉर्म जो है वो एंट्री के लिए डिस्कारेज हो जाएंगी अगर किसी के पास पेंटेड राइट है तो अगेन जब तक वो पेटेंट राइट एक्सपायर नहीं हो जाता दू दूसरी फॉर्म्स एंटर नहीं हो सकती अगर कॉपी राइट का इशू है तो इन सारे लीगल इश्यूज में यही होता है कि मोनापली पावर जो है वो ज्यादा हो जाती है अगर गवर्नमेंट की इन्वालमेंट है तो लाइसेंसिंग अगर गवर्नमेंट लाइसेंस देती है चंद एक फॉर्म्स को तो उन्हीं चंद एक फॉर्म्स के पास जो है वो मनापली पावर आ, आ जाती है तो ये सारी चीजें हैं जो डिटर्मिन करती हैं इलास्टिसिटी ऑफ दी

राइवलरी uh, रखती हैं कि अगर एक प्राइस कट करती है और दूसरी भी उसको फॉलो करती है इन आदर टू कैप्चर और ग्रैप मोर मार्केट शेयर तो उस सूरत हाल में क्या होगा कि एक प्राइस कटिंग वार शुरू हो जाएगी और अल्टीमेटली सारी फॉर्म्स जो हैं दे मे नॉट एंड मोर प्रॉफिट्स रादर दे विल एंड अप लूजिंग प्रॉफिट तो जो बिहेवियर है अगर वो लाइक like सेक्लूड करते हैं आपस में और एक मुनापली पावर की तरह सामने आ जाते हैं फॉर एग्जाम्पल जैसे ओपैक की बात है वो दैटेड मोनाफली टाइप थिंग वो आपस में क्लूड करके प्राइस एंड आउटपुट डिसाइड कर लेते हैं कि इस प्राइस पे किसने कितनी जो है आउटपुट सप्लाई करनी है तो ये जो बिहेवियर है दैट अगेन डिटर्मिंस दोनाफली पावर अगर कॉपरेटिव बिहेवियर है क्लूड होने वाला बिहेवियर है तो उस वक्त मोनाफली पावर ज्यादा हो जाएगी और अगर कंपेटेटिव है तो देन वी बिकम वेरी क्लोज टू दी परफेक्टली कम्पिटेटिव सिचुएशन जिसमें जो है मोनोपोली पावर जो है वो कम हो जाती है अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं जो कि हम देख रहे हैं कि सोशल कॉस्ट ऑफ मोनोपोली पावर कि अगर मोनोपोली जो है एग्जिस्ट करती है एक पर्टिकुलर इकोनमी में तो उसका रिजल्ट यही होता है कि इसका इक्लिब्रम आउटपुट कम होती है और उसका प्राइस लेवल जो वो फर्म चार्ज कर रही होती है दैट इज हायर जब हम कहते हैं आउटपुट कम है प्राइस हाईर है तो हमारा बेस लाइन क्या है या इन कंपेरिजन टू व्हाट तो कंपैरिजन हम कर रहे हैं परफेक्टली कंपिटेटिव मार्केट स्ट्रक्चर के साथ कि जहां पर हमारे पर प्राइस फिक्सड होती है एंड दैट इज द मोस्ट एफिशिएंट प्राइस प्रोवाइडेड कि हमारी मार्केट में डिस्ट्रॉशन ना हो एक्सटर्नैलिटीज एंड दी अदर थिंग्स और जब हम इसको कंपेयर करते हैं मोनापली को उसके साथ हम ये देखते हैं कि आउटपुट लेवल्स कम होते हैं और प्राइस लेवल जो है ज्यादा होती है अब जब ये प्राइस ज्यादा हो जाती है और आउटपुट लेवल कम हो जाती है तो इस सूरत हाल में मुमकिन क्यों है बिकॉज ऑफ दोनापली पावर कि प्रोड्यूसर जो है वो एक हायर प्राइस जो है वो चार्ज करने के काबिल होता है और दैट प्राइस इज हायर देन दार्जिनल कॉस्ट तो जब मुनापली एक हायर प्राइस चार्ज हो रही है तो क्वेश्चन करता है कि the and the के लिए यानी सोसाइटी की ओवरऑल वेलफेयर के एनालिसिस के लिए वी नीड टू गेट हेल्प फ्रॉम द कंज्यूमर सरप्लस प्लस एंड दोड्यूसर सर के कंपेयर करेंगे कि परफेक्टली मार्केट सिचुएशन उसमें जो है सोसाइटी कि क्या वेलफेयर है प्रोड्यूसर क्या सरप्लस है कंज्यूमर का क्या सरप्लस है और फिर देखेंगे कि मोनोपली की सिचुएशन में इन सरप्लस में क्या चेंज आता है एंड ओवरऑल जो है वो सोसाइटी की वेलफेयर पे क्या इम्पेक्ट होता है तो उसको देखते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस स्लाइड स्लाइडर तो हेयर वी आर लुकिंग एट डेड वेट लॉस फ्रॉम मोनोपली पावर वी हैव अ रेगुलर स्लोपिंग डिमांड कर्व जो कि हमारी मोनोपली का एवरेज रेवन्यू कर्व है एंड बीनीथ दैट वी हैव द मार्जिनल रेवन्यू करव

देखते हैं परफेक्टली कम्पिटेटिव मार्केट परफेक्टली कम्पिटिटिव में हमने ये कहा था मार्जिनल रेवन्यू देर फोर जब हमने इनका लेना है तो जो मोनापोलिट फॉर दर्फेक्टली कम्पिटेटिव मार्केट तो परफेक्टली कंपेटेटिव मार्केट के लिए हमारे पास जो पॉइंट होगा वही एवरेज रेवेन्यू वाला कब जो मार्जिनल रेवेन्यू बन जाएगा फॉर दर्फेक्टली कम्पिटेटिव मार्केट तो हमारा मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू

पहले जैसे हम करते आए हैं हमारे कंज्यूमर का सब जो है वो कम हो जाएगा एंड दट विल बीवल टू दी एरिया ए और इसके साथ साथ हमारा कंज्यूमर का सब जो है वो कम होगा क्योंकि पहले क्वांटिटी जो है इक्लिब्रम क्वांटिटी अंडर परफेक्टली कम्पेटिटिव मार्केट स्ट्रक्चर इज क्यू और अब वो कम होके क्यू हो गई है इसलिए जब ये क्यू से कम होके क्यू हुई है तो हमारे पास ट्राई बी दट अगेन इज द लॉस अब दी कंज्यूमर सरप्लस और ये उन कंज्यूमर का लॉस है जो कि अब उस आउटपुट को एट अ हायर प्राइस ऑफ पी एम जो है वो परचेज नहीं कर रहे तो टोटल हमारा कंज्यूमर का सरप्लस जो है उसमें ए, कमी आ रही है ए प्लस बी और जब हम प्रोड्यूसर के सरप्लस की बात कर रहे हैं तो ऑफकोर्स प्रोड्यूसर का सरप्लस जो है वो बढ़ रहा है बाय द एरिया ए और दूसरी तरफ जो है प्रोड्यूसर का सप्लस जो है वो कम हो रहा है बाय द एरिया सी अब वाई बाय द एरिया सी यू क्योंकि उन्होंने अपनी आउटपुट जो है वो कम कर दी है क्यू सी पे प्रोड्यूस नहीं कर रहे दे आर प्रोड्यूसिंग एट क्यू एम तो ओवरऑल हमारे पास सिचुएशन ये है कि कंज्यूमर का सप्लस है उसमें चेंज आइये माइनस ए माइनस बी और जो प्रोड्यूसर का सप्लस है उसमें चेंज आइए प्लस ए माइनस सी ए जो है वो ट्रांसफर हो गया बेसिकली फ्रॉम द कंज्यूमर टू द प्रोड्यूसर तो डेड वेट लॉस जो है सोसाइटी का दैट इज इक्वल टू माइनस बी माइनस सी सिचुएशन ये है कि जब हम सोशल uh, इम्पैक्ट की बात करते हैं कि सोसाइटी के ऊपर सोशल इम्पैक्ट क्या है मोनापुली पावर का तो हमने ये देखा है कि वेलफेयर लॉस जो है दैट इज इक्वल टू माइनस बी एंड माइनस सी लेकिन मोनोपोलिस्ट के पास एक मोनापुली पावर होती है और उसकी वजह से ही कैन चार्ज अ हायर प्राइस लेकिन जब वो हायर प्राइस करते चार्ज करते हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड भी जो है वो कम हो जाती है इन कंपैरिजन टू द क्वांटिटी जो परफेक्टली मार्केट सिचुएशन में उसने पैदा करनी होती है, अब पावर जो, है the the scene, जो के काम कर रही है अब हम अगर इस मुनाफली पावर पे फोकस करते हैं तो मुनाफुलिस जो है इसी मुनाफली पावर को जो है वो बढ़ाना चाहता है और जब वो मुनापली पावर को बढ़ाना चाहता है तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन को हम ये करते हैं कि बहुत से सोसाइटी के जो प्रोडक्टिव रिसोर्स होते हैं उनको यूटिलाइज करता है इन आर्डर टू ऑपटेन मेंटेन एंड एक्सरसाइज ई मुनापली पावर हम क्या कहना चाह रहे हैं कि वो सोसाइटी के जो प्रोडक्टिव रिसोर्स हैं उनको यूज़ करेगा इन आर्डर टू फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्टेन एंड दैन मेनटेन एंड दैन एक्सरसाइज दी मोनापली पावर और वो किस तरह करेगा लॉबिंग तो करना चाहेगा उसमें यूज कर, को को कर रहा है मोनापली पावर उसको हम कहते हैं रेंट द मोनाफुलिस्ट जिसमें मोनाफिलिस्ट जो है ये एक्सपेंडिचर कर रहा है इन ऑर्डर टू ऑपटेन दोनाफली पावर और मोनाफली पावर हासिल करने के लिए क्या कर सकता है लॉबिंग कर सकता है कि वो जो है मुख्तलिफ जो रेगुलेटरी एजेंसीज हैं, उनके साथ कुछ इस तरह का अरेंजमेंट करना चाहता है सो so दैट बाकी जो प्रोड्यूसर हैं, दे शुड लीव मार्केट या वो मार्केट में एंटर ही ना हो पाए इसमें पॉलिटिकल मोनोवरिंग भी शामिल है और इसमें इकोनॉमिक मोनोवरिंग भी शामिल है लेकिन लॉबिंग एज वन वे जिसमें जो है मोनापोलिस्ट जो है वो मोनापली पावर गेन कर सकते करना चाहता है समटाइम्स वो इस तरह करता है कि इन ऑर्डर टू गिव एन इंप्रेशन के मेरी फर्म इज अ वेरी लार्ज फर्म और डोमिनेट करती है मार्केट में और दूसरी जो भी कोई एंट्री होगी दैट विल नॉट बी अक्सेस तो उसमें क्या करता है एक्सेस कैपेसिटी जो है वो बिल्ड कर लेता है अगर एक प्लांट है एक दो कर लेगा दो प्लांट हैं तो तीन प्लांट कर देगा जिससे इंप्रेशन ये होगा कि दूसरे आने वाले डिस्करेज होंगे कि इसके पास तो पहले ही इतनी ज्यादा कैपेसिटी है इकोनॉमीज ऑफ स्केल इनके पास ज्यादा है तो आई कैन नॉट एंटर इन टू मार्केट एंड कम्पीट विद दिस पर्टिकुलर मोनाफोलिस्ट एक और जो थर्ड एलिमेंट है रंट सीकिंग के लिए दैट इज ऑफ द एडवर्टाइजिंग कि वो एडवर्टाइज हेवीली करता है इन द माइंड्स ऑफ द कंज्यूमर ये इम्प्रेशन देने के लिए कि उसकी प्रोडक्ट इज़ बेटर देन द रेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट और इसके ऊपर जो टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट लगी हुई है वो उसको इतना एच दे देती है ओवर द अदर प्रोड्यूसर्स के उसकी जो है मुनापली पावर या मार्केट के अंदर उसका इन्फ्लुंस शुड बी मोर हायर देन द इन्फ्लुएंस ऑफ द अदर अब हम ये देखते हैं कि बेसिक बिहड दीन जो है वो क्या इंसेंटिव uh, है फॉर गेनिंग दोनापली पावर तो बेसिक इंसेंटिव जो है दैट इज दॉ टू बी गेन तो जितने प्रॉफिट ज्यादा होंगे जितने हायर प्रॉफिट होंगे उतना ही इंसेंटिव होगा टू गेन मोर मोनापली पावर दूसरी तरफ जब हम ये देखते हैं कि प्रॉफिट ज्यादा होंगे और मोनापली uh, पावर जो है वो ज्यादा हो जाएगी तो इसके साथ हम ये भी देखना चाहेंगे कि मोनापली पावर जो है उसके इंपैक्ट सोसाइटी पे क्या होते हैं जैसा कि अभी हमने एनालाइज किया कि मोनाफली पावर की वजह से हमारा एरिया ए प्रीवियस क्राफ्ट में वो था कंज्यूमर सरप्लस जो है वो ट्रांसफर हो रहा था कंज्यूमर प्रोड्यूसर की तरफ तो जितने जो है वो हमारे सरप्लस जो हैं वो कंज्यूमर से प्रोड्यूसर की तरफ ट्रांसफर हो जाएंगे तो दैट विल ब्रिंग नेगेटिव इंपैक्ट फॉर द कंज्यूमर्स प्रीवियसली हमने ये भी देखा था कि रोल ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो कम्पटेटिव मार्केट्स में क्या है और हमने ये देखा था कि जब भी गवर्नमेंट रेगुलेट करने की कोशिश करती है कम्पटिटिव मार्केट को तो उस सूरत हाल में सोसाइटी को ओवरऑल लॉस होता है डेड वेट लॉस था वाई क्योंकि हमारी परफेक्टली कम्पटिटिव मार्केट्स हमने ये कहा था कि वो एफिशेंटली काम कर रही हैं तो उसमें जब गवर्नमेंट इंटरवीन करती है तो रिजल्ट ये होता है कि सोसाइटी में डेड वेट लॉसेज जो हैं वो पैदा हो जाते हैं अब हम ये देखना चाहेंगे कि अगर मोनापल जो है वो प्रॉफिट ले रहा है उसमें जो है वो कंज्यूमर का सरप्लस ट्रांसफर हो रहा है प्रोड्यूसर की तरफ तो उससे ओवरऑल सोसाइटी को डेड वेट लॉसेज हो रहे हैं अब गवर्नमेंट अगर इंटरवीन करती है ये रेगुलेट करने की कोशिश करती है तो उससे सोसाइटी पर क्या इम्पेक्ट होगा तो इस इम्पैक्ट को देखने के लिए Let us go to this particular slide, this slide we have price regulations rakhi and we have the regular downward sloping demand curve and the average revenue curve for the monopolist. If left alone a monopolist produces Qm quantity and charges Pm price and that hai with the introduction of the marginal cost curve. So, our marginal cost is equal to marginal revenue at an output level Qm. उटपुट लेवल एंड पी एम इज दाइस अब अगर गवर्नमेंट जो है इन द मार्केट और गवर्नमेंट इज बिलो द हायर प्राइस उसकी आउटपुट लेवल कम होता है अब अगर गवर्नमेंट रेगुलेट करना चाहती है मार्केट को और फिक्स पी वन विच इज बिलो दोनाइस तो P1 जो है हमारी उस पे हमारे आउटपुट लेवल जो होगा दैट विल बी Q1 अब जो हमारा ओल्ड मार्जिनल रेवेन्यू कर हुआ है दैट इज नॉट रेलेवेंट राधर यही P1 जो कि रेगुलेट हो रहा है गवर्नमेंट से क्योंकि फिक्स हो गई प्राइस तो इसके ऊपर हमारी मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू पी तो एनी आउटपुट लेवल

प्राइस रेगुलेशन के साथ प्राइस कम हो गई लेकिन आउटपुट लेवल जो है वो बढ़ गया प्राइस कम होने से और आउटपुट लेवल के बढ़ने से हमारे कंज्यूमर के सरप्लस में जो है वो इजाफा हुआ जब हम इसको कंपेयर करने चाहते हैं परफेक्टली कंपिटेटिव मार्केट सिचुएशन में तो परफेक्टली कंपिटेटिव मार्केट में जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइस लेवल और हमने अभी ये कहा कि जब गवर्नमेंट रेगुलेट कर रही है प्राइस को पी वन के ऊपर तो उसके नीचे जितने भी प्राइस लेवल्स हैं या Q1 से आगे जितने भी आउटपुट लेवल हैं उनको फिर हमारे एवरेज रेवेन्यू तो, तो सूरत हाल में वी आर कमिंग अपो पी वन और आउटपुट लेवल विच इज बियॉन्ड क्यू तो उसके लिए हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू तो हमारे एवरेज रेवेन्यू इज ऑल्सो रेवन्यूर फोर जहां सी जो है, वो को का रहा है. इसके है और प्राइस इज पी सी अब इस प्राइस लेवल के ऊपर जो है कंज्यूमर्स का जो है वो सब प्लस मैक्सिमम है अगर इसके बाद प्राइस इज लोअर टू पी सी आउटपुट इनक्रीजेस टू इट मैक्सिमम टू क्यू सी एंड देर इज नो डेड वेट लॉस पहले हमारे पास कंज्यूमर का सब प्लस जो है वो डेट वॉज दॉस बट परफेक्टली कम्पिटेटिव मार्क्सनारियों में देयर इज नो डेड वेट लॉस अब अगर प्राइस जो है परफेक्टली कम्पटेटिव प्राइस से भी मजीद नीचे होती है इफ इट कम्स टू अ प्राइस लेवल ऑफ पी थ्री देन वट हैुट डिक्रीज एंड शॉर्टेड एक्सिस्ट क्यों हमारी आउटपुट कम हो रही है अगर हम पी पे आते हैं तो हमारी मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवन्यू एट अ लोअर पॉइंट और वो जो पॉइंट है उसके ऊपर हमारे पास जो आउटपुट आ रही है दैट बेसिकली इज़ Q3, जबकि हमारे पास क्वांटिटी डिमांडेड जो है दैट इज़ Q प्राइम थ्री तो इस सिनेरियो में अगर हम कोई प्राइस चार्ज करते हैं लोअर देन दी परफेक्टली कम्पटिटिव मार्केट उसमें हमारे पास क्वांटिटी सप्लाइड कम हो रही है Q3 है क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा है क्यू पॉइंट थ्री द डिफरेंस इज द शॉर्टेज इन द मार्केट प्लेस अब अगर हम मजीद नीचे आ जाएं इफ वी कम डाउन टू द लेवल ऑफ P4 जो कि P3 से भी नीचे है P4 जो है इसके ऊपर जब हम देखते हैं तो हमारा एवरेज कॉस्ट जो है एवरेज कॉस्ट का के ऊपर पी हमारा इंटरसेक्ट कर रहा है और हमारा जो मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट है उसका इंटरसेक्टिंग uh, जो पॉइंट है दैट इज इवन बिलो दैट इसलिए पी फोर के ऊपर फर्म जो है firm in, firm तो अब अगर हमने इसी को सम अप करना हो तो हम ये कहते हैं कि जब परफेक्टली कंपिटेटिव मार्केट स्ट्रक्चर होता है उस वक्त सोसाइटी में डेड वेट लॉस नहीं होता जब गवर्मेंट इंटरवीन करती है तो सोसाइटी में डेड वेट लॉसेस पैदा हो जाते हैं और रेगुलेट कर रही है इंटरवेंशन से मुराद है कि गवर्नमेंट इज रेगुलेटिंग ट्राइंग टू रेगुलेट दी मार्केट लेकिन जब हम मोनोपोली की बात करते हैं तो उस सूरत हाल में ओरिजिनल सिचुएशन में यह है कि मोनोपोलिस्ट इज चार्जिंग अर प्राइस और जिसकी वजह से क्या है कि कंज्यूमर का कुछ सरप्लस ट्रांसफर हो है प्रोड्यूसर के सरपलस में जबकि गवर्नमेंट रेगुलेट करती है गवर्नमेंट रेगुलेट करती है और उसको मुनापली की प्राइस से लोअर प्राइस पे ले आती है तो उस सूरत हाल में वो कंज्यूमर का सरप्लस जो है उसमें इजाफा होना शुरू हो जाता है और उससे नीचे जब हम परफेक्टली कंपिटेटिव मार्केट पे आते हैं तो सोसाइटी में कोई डेड वेट लॉस नहीं होता और कंज्यूमर सरप्लस जो है इज एट इट्स मैक्सिमम इससे नीचे अगर मजीद कोई प्राइस तो शॉर्टेज पैदा हो जाएगी इसलिए प्रोड्यूसर्स जो हैं वो कम पैदा करना चाह रहे होंगे और कंज्यूमर जो हैं वो ज्यादा डिमांड करना चाह रहे होंगे इसलिए द डिफरेंस बिटवीन द क्वांटिटी डिमांडेड एंड द्वानिटी सप्लाई रिजल्ट इन अटेज इन दोसाइटी अब ये तो था कि जब हम गवर्नमेंट की इंटरवेंशन और उसका इम्पैक्ट देखना चाह रहे थे और मोनापली में बॉटम लाइन ये है कि गवर्नमेंट के इंटरवेंशन से वेलफेयर में इजाफा हो जाता है क्योंकि मोनापली की एग्जिस्टेंस से हमारे पास डेड वेट ऑलरेडी मौजूद थे अब हम देखना चाहते हैं ऑफ द नेचुरल मोनोपली अब नेचुरल मोनापली इज एन एज फॉर अ सिंगल फॉर्म के अगर वो प्रोड्यूस करती है सारी की सारी आउटपुट और अगर हम देखें कि कोई इंडिविजुअल प्रोड्यूस करती है तो उसकी जो कॉस्ट है

अब नेचुरल मोनोपलिस क्यों एग्जिस्ट करती है जैसे कि मैंने पहले ही कहा एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ द इकोमीज ऑफ स्केल इन प्रोडक्शन सर्टन आउटपुट इस तरह की होती है की जो जो हम आउटपुट का लेवल प्लांट बढ़ाते चले जाए तो हमारी पर यूनिट कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है सो लेट्स लुक एट दी नेपालीज विध दिल्प ऑफ दिस क्राफ्ट रेगुलेटिंग दी प्राइस ऑफ ए नेचुरल मोनोपाली वी हैव आ रेगुलर डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर एंड दार्जिनल रेवन्यू कर अब हमारे पास जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है और एवरेज कॉस्ट कव है दे आर कंटिन्यूसली डिक्लाइनिंग और दिस इज रिप्रेजेंटिंग द इकोनॉमीज टू स्केल आपको याद होगा कि जब हम इकोनॉमीज एंड के स्केल की बात कर रहे थे तो हम कह रहे थे लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व जो है वो इकोनॉमीज एंड डिसकोनॉमीज ऑफ स्केल के बारे में भी रिफ्लेक्ट करता है हमने कहा था उसका लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व का जो डाउनवर्ड स्लोपिंग पोर्शन होता है दैट रिप्रेजेंट द इकोनॉमीज ऑफ स्केल तो इस ग्राफ में हमारा ये जो डाउनवर्ड स्लोपिंग एवरेज कॉस्ट कव है दैट इज रिफ्लेक्टिंग द इकोनमीज ऑफ स्केल और उसके नीचे ऑफ कोर्स वी हैव दी मार्जिनल कॉस्ट और वो क्यों नीचे है क्योंकि हमें पता है कि यूजली जब हमारा एवरेज कॉस्ट कव और मार्जिनल कॉस्ट कब दोनों नीचे आ रहे होते हैं तो हमारा मार्जिनल कॉस्ट कव जो है एवरेज कॉस्ट कव के नीचे होता है सो वी हैव दिस रेगुलर लेट्स लुक एट द हेयरम पॉइंट पॉइंट है वेयर मार्जिनल रेवन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट उटपुट लेवल इज क्यू एम एंड मोनापली प्राइस लेवल तो हमारा आउटपुट लेवल मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवन्यू वेयर इट इज इंटरसेक्टिंग ए आर एवरेज रेवन्यू और एट दैट लेवल हमारे पास पी सी इज द प्राइस एंड क्यू सी इज दउटपुट लेवल इसके ऊपर अगर हम वे देखें तो हमारा एवरेज कॉस्ट जो है पर यूनिट कॉस्ट जो है अगर क्यू और पी हम सेलेक्ट करते हैं तो हमारी पर यूनिट कॉस्ट इज़ हायर देन दी पर यूनिट रेवेन्यू तो इसलिए इसके ऊपर जो है फर्म इज गोइंग टू इनकर लॉसेस लेकिन इफ़ वी लुक एट द रोल ऑफ द गवर्नमेंट के नेचुरल मोनापली को भी अगर गवर्नमेंट रेगुलेट करना चाहती है तो इसको कहाँ पे प्राइस फिक्स करना चाहिए गवर्नमेंट को प्राइस फिक्स करना चाहिए इन बिटवीन पी एम एंड पी सी क्योंकि पी एम के ऊपर नेचुरल मोनापले इज एन्जॉयिंग प्रॉफिट और पी सी के ऊपर इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक प्रॉफिट्स एट दैट आउटपुट लेवल तो फिर इसलिए गवर्नमेंट जो है वो एक प्राइस लेवल फिक्स करती है एट पी आर पी आर के ऊपर हमारे पास जो इक्वलिब्रियम आउटपुट है दैट इज क्यू आर क्यू आर के ऊपर हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट जो है दैट इज इक्वल टू दी आर एंड द जीरो। सो मैक्सिमम अगर नेचुरल मोनोपोली को गवर्नमेंट रेगुलेट करना चाहती है तो पी से जो प्राइस कम करके लाए इट शुड नॉट गो बियॉन्ड पी क्योंकि पी से नीचे जब आएगी तो फॉर्म विल बी इनकमिंग लॉसेज एंड इट विड नॉट इट विल नॉट लाइक टू स्टे इन द बिजनेस

Fixing a price level, or score, that is based on the average rate of return. And in that, we say that price is equal to hamari per unit variable cost plus certain other things. Let's look at the slide here. An alternative pricing technique, rate of return regulation, allows the firm to set a maximum price based on the expected rate of return that the firm will earn. And the formula for that is that P is equal to average variable cost plus d plus t plus sk and all divided by q that is k price is equal to per unit variable cost per unit depreciation per unit taxes and per unit return on the capital Our opportunity cost and the normal profit uh, has been covered in sk or the per unit rate of return or the return on the firm's capital stock so in practice hum jab मोनापलिस्ट के प्राइस की डिटर्मिनेशन की बात करते हैं तो दैट बेसिकली बिकम्स ए रूल ऑफ थम सो दिस कम्पलीट आर डिस्कशन ऑन दोनापली सो लेट्स लुक एट नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज ऑफ दोनापनी मुनाप्सनी बेसिकली इज अ मार्केट वेयर देअर इज अंगल बायर मोनापली में जैसे हमने कहा था कि देर इज अ सिंगल प्रोड्यूसर अब मुनापसनी में हम ये देख रहे हैं कि देयर इज अ सिंगल बायर मोनापली में हमने ये कहा था कि फर्म्स दे हैव दोनापली पावर सो दैट दे कैन इन्फ्लुएंस दी प्राइस एंड दे कैन चार्ज अ अर प्राइस सो वट बेसिकली इज नाउ दोनापनी पावर मुनाफ्नी पावर इज द पावर ऑफ द बायर टू इन्फ्लुएंस मार्केट प्राइस एंड ही और शी विल बी एबल टू पे अ प्राइस लोअर देन दियर मार्केट प्राइस दिस इज आर मुनाफ्सनी पावर अब अगर हम इसी को कंपेयर करते हैं कंपटिटिव मार्केट को जैसे हम कंपेयर करते रहे हैं मोनापली के साथ आ तो हम कंपटिटिव बायर को कंपेयर करेंगे विद दनापनी बायर तो कंपटिटिव मार्केट या प्रोड्यूसर में हमने ये कहा था कि प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट एंड द डिमांड विल बी हॉरिजेंटल एंड देन वी कम्पेयर मोनापली बायर्स मार्केट में वी आर गोइंग टू लुक एट दी कंपटिटिव बायर एंड देन वी आर गोइंग टू मेक अ कंपेरिजन ऑफ द बायर विद दिन बायर So, let us look at the competitive buyer first. So, the competitive buyer will be a price taker. Okay, whatever is the price given in the marketplace, this buyer is going to purchase at that price. So, price is equal to marginal expenditure and that is equal to the average expenditure, and your D is the marginal value. So, if we want to compare now the competitive buyer with the monopsony buyer so let's look at these two graphs here. we have the buyer and we have the quantity on x-axis and we have the prices or the dollar value on the y-axis. for a competitive buyer, the price is given, a horizontal line, and that price is the marginal expenditure and that price is also the average expenditure. and then the downward sloping curve here is the demand curve and that is also the marginal value curve for the competitive buyer.

Average revenue is equal to the marginal revenue in the next graph, price line, and then marginal revenue is equal to the marginal cost, and the competitive uh, seller is going to produce at an output level of Q star and P star. If the markets are competitive, then the com decision of the competitive buyer and the decision of the competitor seller will coincide with each other. P star price and the quantity demanded and the quantity supplied at the same level of p star so let's now look at the monopolist buyer with the help of this particular graph here for the monopolist buyer the situation is a bit different quantity is on x axis and the dollar prices or the other uh, measurements are taken on the y axis so we have marginal expenditure and the marginal revenue they are intersecting each other and the quantity should be pm and the Q m star and the P m star. So, that is the equilibrium situation. Agar ham is we further analyze this, then for monopsony, marginal expenditure is greater than price and it is above the supply. Now, supply jo hai basically that is the average expenditure. S is equal to average expenditure is the supply curve. Marginal expenditure is lying above the average expenditure and the optimum point is where वी हैव पी एम स्टार एज द प्राइस एंड क्यू एम स्टार एज द क्वान्टिटी फॉर मोनापनिस्ट बायर अब अगर हम परफेक्टली कम्पटिटिव मार्केट के साथ इसको कम्पेयर करना चाहें तो उस सूरत हाल में हमारी प्राइस इज गोइंग टू बी पी सी एंड द आउटपुट और द कोटिटी परचेज शुड बी क्यू सी एंड दैट इज ट्रू बिकॉज ऑफ़ द फैक्ट कि हमारा एस या एवरेज एक्सपेंडिचर इट सेल्फ इज द मार्जिनल एक्सपेंडिचर फॉर दम्पिटेटिव बायर तो आज के इस लेक्चर में बेसिकली वी जस्ट कम्प्लीटिड आर डिस्कशन ऑन द मोनापली और उसमें हमने सबसे पहले ये देखना देखा कि मोनापली पावर क्या है और हम उसको किस तरह मैर कर सकते हैं हमने देखा कि उसके पीछे जो फैक्टर्स हैं वन ऑफ द फैक्टर इज द इलास्टिसिटी ऑफ द मार्केट डिमांड मैन एंड देन उसके बाद हमने ये देखा कि नंबर ऑफ दी प्रोड्यूसर्स इन द मार्केट एंड देन हाउ द फॉर्म्स दे कम्पीट विद ईच अदर फिर हमने देखा कि उसके सोशल कॉस्ट मोनापली की क्या है और उसके बाद हमने उसको सम अप करने के साथ एक नया टॉपिक शुरू किया आज जो कि था सिंगल बायर इन द मार्केट सिंगल बायर को हमने डिफाइन किया एज अ मोनापनिस्ट एंड मोनापनिस्ट हैज़ द फुल कंट्रोल ऑन द परचेजेस ऑफ द मार्केट प्लेस इज इज सिंगल बायर और उसको फिर हमने कंपेयर किया विद दी कम्पटिटिव बायर के साथ और हमने ये देखा कि प्राइसिस जो हैं सिंगल बायर की विल बी लोअर दैन दी प्राइस अंडर दी कम्पटिटिव बायर्स जो मुनापनिस बायर होगा वो प्राइस कम देगा और क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा परचेज करेगा तो इन अगले लेक्चर में हम इसी मनापनी के टॉपिक को कवर करेंगे और मज़ीद टॉपिक्स जो है इसमें अंडर डिस्कशन होंगे हम कम्पेयर करेंगे मुनापलिको मनापसनी के साथ एंड सर्टन अदर आस्पेक्ट्स ऑफ दनापनी तो इजाज़त दीजिए आपसे फिर मुलाकात होगी अल्लाह हाफि